you, welcome again in your EVS class. Students, in this class, we are in chapter number 4. The name of the chapter is Food. Clear everyone? Students, in our previous session, we have learned about food. हमने अपने previous session में food के बारे में जाना. That what is the Hindi meaning of food? Yes, भोजन. The Hindi meaning of food is भोजन. Now, what is food? Food क्या है? Something that people or animals eat. जो भी चीजें animals यानी कि जानवर या तो लोग खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Food कहते हैं. Like rice, meat, egg, milk. These are called food. ये सभी क्या है? ये सभी भोजन. Clear everyone? Students, there are different kinds of food. ये भी हमने अपने previous class में पढ़ा था कि भोजन विभिन्न प्रकार के होते हैं. Like energy giving food, body building food and protective food. Okay? Energy giving food वे होते हैं जो हमें कार्य करने के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं. ठीक है, जैसे कि प्ले. प्ले का मीन्स क्या होता है? खेलना. तो जो भोजन हमें खेलने के लिए हमें एनर्जी दे, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड. सो द फूड दैट कीप्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प अस टू ग्रो इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके बच्चों, वे भोजन जो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाते हैं और हमें बढ़ने में, ग्रो का मीन्स क्या होता है? बढ़ना, और हमें बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव का मीन्स होता है बच्चों बचाना या सुरक्षा करना. तो जो हमें डिसीजेस से बचा कर रखे, डिसीजेस यानी कि बीमारियाँ. सो स्टूडेंट्स, वे भोजन जो हमें बीमारियों से बचा कर रखते हैं, उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन से फूड हमें कार्य करने के लिए एनर्जी देते हैं, कौन से फूड हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और कौन से फूड हमें डिसीजेस यानी कि बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. अब हम देखेंगे कि हमें एनर्जी किस फूड आइटम से प्राप्त होती है. क्लियर? सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम चपाती, राइस, ब्रेड एंड बटर. बच्चों, हम चपाती, राइस, ब्रेड और बटर से एनर्जी प्राप्त करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? इन सभी फूड आइटम्स में क्या होता है? एनर्जी होती है. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड. अब हम देखेंगे कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से है. सो मिल्क, एग्स, पल्सेस एंड फिश. मिल्क आप समझ रहे हो, मिल्क इट मीन्स दूध, एग्स इट मीन्स अंडे, पल्सेस यानी कि दालें और फिश यानी कि मछली. स्टूडेंट्स, दीज फूड आइटम्स मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग. ये फूड आइटम्स हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाते हैं एंड हेल्प अस टू ग्रो, और हमें बढ़ने में भी हमारी सहायता करते हैं. क्लियर? कौन कौन से फूड आइटम्स में है? आइटम्स हैं मिल्क, एग्स, पल्सेस एंड फिश. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्टिव फूड. अब प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस. ये हमें डिसीजेस यानी कि बीमारियों से बचा कर रखते हैं. क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? इफ आई से दैट नेम एनी टू एनर्जी गिविंग फूड, कोई भी टू एनर्जी गिविंग फूड का नेम राइट करिए, तो आप क्या राइट करोगे? चपाती या राइस. आप इनमें से कोई भी टू फूड आइटम्स का नेम राइट कर सकते हो. ब्रेड या बटर, चपाती या राइस. क्लियर? नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड. इफ आई से दैट नेम एनी टू बॉडी बिल्डिंग फूड, सो यू कैन आंसर लाइक दिस. मिल्क एंड एग्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड. मिल्क और एग्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है. आप इनमें से कोई भी टू फूड आइटम्स के नेम बता सकते हो. मिल्क, एग्स, पल्सेस या तो फिश.
फिश. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, नेम एनी टू प्रोटेक्टिव फूड. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. स्टूडेंट्स नाउ सी दिस पिक्चर. वाह, दीज फूड आइटम्स आर माय फेवरेट. बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स. डू यू लाइक इट? यस हाना, आई ऑल्सो लाइक दीज फूड आइटम्स बिकॉज दीज फूड आइटम्स आर वेरी टेस्टी बट दे आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ. ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं. दे मेक अस सिक. ये हमें बीमार बनाते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड जंक फूड. इन्हें ही हम जंक फूड कहते हैं. क्लियर. जंक फूड आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ. जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं. दे मेक अस सिक. ये हमें बीमार बनाते हैं. क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क एंड क्लास वर्क. स्टूडेंट्स योर क्लास वर्क इज अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स ऑन पेज नंबर 16 एंड 17 राइट हिंदी मीनिंग ऑफ ऑल हार्ड वर्ड्स इन बुक. ओके बच्चों, आपको पेज नंबर 16 और 17 पर सारे हार्ड वर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करना है और अपनी बुक में ही उन्हीं हार्ड वर्ड्स की हिंदी मीनिंग राइट करनी है. क्लियर. दिस इज योर क्लास वर्क. ये आपका क्लास वर्क है. नाउ सी योर होमवर्क. योर होमवर्क इज ड्रॉ एनी टू फूड आइटम्स दैट हेल्प अस टू ग्रो. आपको कोई भी टू फूड आइटम्स के नेम राइट करना है जो आपको पढ़ने में आपकी सहायता करते हैं. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, विच फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो? यस, मिल्क एंड फिश हेल्प अस टू ग्रो. दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.